जय हिंद जय भारत में रेवल सदानंद पति बंगाल के और हाथरस के दौरे के बाद आज शाहीनबाग की गलियां, लेकिन आज का वीडियो समर्पित पप्पू यादव के लिए। वो पप्पू यादव जिसने भाजपा के उस शासन का उजागर किया जहां 50 से ज्यादा एम्बुलेंस छुपा के रखे गए थे, और उसका नतीजा क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा। केवल एक्टिविस्ट गिरफ्तार होते हैं, ये आपने देखा होगा और सुना होगा, लेकिन सबसे अहम बात है 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेस को, जहां लोगों की मौतें सड़कों में हो रही थी और हमें वो एम्बुलेंसेस की जरूरत थी, तब पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी के फार्म हाउस का पर्दाफाश किया जहां इतने सारे एम्बुलेंसेस धूल चाट रही थी। धूल आपने देखा होगा, लोगों ने रिक्शे में, बैलगाड़ी में, साइकिल में अपने कंधे पे अपने प्रियजनों के डेड बॉडीज को वो ले जाते रहे। अत्यंत ही दुखपूर्ण थी ये चीज। और शब्द आपने ये भी देखा होगा, गंगा जी में तैरती हुई लाशें। लेकिन आज मैं इन चीजों के ऊपर बात नहीं करूंगा, बात करूंगा पप्पू यादव के ऊपर, उस पप्पू यादव के बारे में जिन्होंने पिछले कोरोना काल में, जिस गली में मैं हूं इस वक्त, लगभग 150 लोगों को उन्होंने यहां से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, गरीब मजदूरों को भेजा था, जब ना तो भारतीय सरकार उठ के आई थी ना अन्य कोई सरकार उठ के आई थी, और वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, दलित भी थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, कोई जात और धर्म नहीं थे, केवल मजदूर थे। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा काम करता है और उसके पश्चात आप रोटेट कर लीजिए, और उसके पश्चात उस व्यक्ति को आप जेल में डालते हैं, रेबल फाउंडेशन के बहुत सारे वॉलंटियर जो हैं वो इस वक्त पटना में हैं। निजी तौर पे मैं इस हफ्ते वहाँ जा रहा हूँ, सॉलिसिटर जनरल से भी मिलूँगा और हाईकोर्ट के बेंच के तमाम जजेस से भी मिलूँगा कि आखिरकार गुनाह क्या किया उन्होंने। अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा पहले से चल रहा था तो हम लोग इसको भी देख लेते, मैनेज कर लेते, लेकिन दिक्कत एक बात की है कि अगर वो कसूरवार हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं, या अगर वो कसूरवार हैं केवल इसलिए कि उनके ऊपर 20 साल पुराना कोई मुकदमा चल रहा है, तो ये एम्बुलेंसेस को छुपाने के ऊपर जो कसूरवार हैं, क्या वो आज जेल में हैं या वो जेल में नहीं है? या पप्पू यादव को भी आप किसी जाति, धर्म और रिलीजन से जोड़ेंगे? आप सोनू सूद को देखते हैं, हमने अभी काफ़ी सारे ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर लगातार सड़कों में उन लोगों को प्रोवाइड किया जो शायद इनका इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये कैंपेन करना अब जरूरी है कि 5 बार के सांसद कोई क्रिमिनल नहीं है, 5 बार के सांसद है पप्पू यादव। आपने बिहार के बाढ़ में देखा होगा किस तरह पानी में तैरते हुए उन्होंने आम जनता की मदद की, और उन्हें हम हिंदू मुसलमान कोई भी नहीं कह सकते थे। पिछले 1 साल से कोरोना काल में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी, कभी तबलीगी जमात, कभी महाकुंभ, बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन क्या हम उन लोगों को देख पाएंगे जो लोग दूसरों के लिए सड़कों में आते हैं और मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं? रोड जाम मत कीजिएगा, हमारी वजह से रोड जाम नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल केवल रिलीज पप्पू यादव की नहीं है, तमाम वो जर्नलिस्ट, तमाम वो एक्टिविस्ट जो आज जेल में हैं और अकारण जेल में, जिनके ऊपर प्रॉपर मुकदमा नहीं है। आपने देखा होगा बंगाल में 4 बड़े-बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया, और जिस तरीके से था, हाईकोर्ट ने भी बोला कि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और कोरोना के दौर में उन्हें मदद करने की जरूरत थी। फिराद हकीम जो कि मेयर थे कलकत्ता के, शहरी मंत्री थे, और भी बहुत सारे 4 लोग मुख्यतः, और उसके बाद आज फिर उनके साथ ये 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स वेनेडेटा की पॉलिटिक्स बनती जा रही है। लेकिन पप्पू यादव ने तो किसी का बिगाड़ा नहीं है, वो तो कोई बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का अगेंस्ट नहीं है, वो तो केवल मजदूरों के लिए उठ के खड़े होते हैं। क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम हमारे साथ एक बात कही थी, मेरे चैनल पे भी आपने देखा होगा, कि मजदूर की कोई जाति नहीं है, ना टोपी देखी जाएगी ना टीका देखा जाएगा, मजदूर तो गरीब हैं, गरीबी की भला क्या जात, गरीबी की तो एक समस्या है, मजदूर है तो आज लॉकडाउन है, समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आखिरकार बेकसूर लोगों को जहां भी भाजपा की सरकार है, अगर आप इस तरीके से जेल में डालेंगे और आपको लगता है कि आप दमन करेंगे, कभी सोशल मीडिया में दमन करेंगे, हम जैसे एक्टिविस्टों को 27 बार जेल की यात्रा होती है, हम नहीं रुके हैं और ना ही रुकेंगे, और ये रुकना हमारे किस्मत में नहीं है और ना हम थमेंगे। और इस बार संपूर्ण भारत में हम लोग इस कैंपेन को IPS संजीव भट्ट, आप जानते हैं संजीव भट्ट कौन है? संजीव भट्ट वो व्यक्ति है जो गोधरा कांड के एकमात्र गवाह है, देश का एक वीर IPS आज जेल में,
उनके लिए जेल की तारीखें नहीं मिलती, कोर्ट में तारीखें नहीं मिलती। ऐसे वीर साहसी लोग आज जेल में हैं, तो फिर जो एम्बुलेंस छुपाते हैं हम उन्हें जेल में क्यों नहीं डालते? अगर हमारी राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब आप सोशल मीडिया बैन करेंगे, अगर आप एक ट्विटर नाम की चिड़िया से डर जाओगे तो 135 करोड़ जनता क्या ये रुकने वाली है आपके डर से? बहुत सारे दिन हो गए, हमने लॉकडाउन में सभी समुदाय के लोगों को देखा, हिंदू मुस्लिम समाज सभी, हमने गुरुद्वारे देखे। आप तो नहीं बना पाए ऑक्सीजन के सेंटर्स, आप आईसीयू नहीं बना पाए, पर तमाम गुरुद्वारा, तमाम मंदिर और तमाम मस्जिद ये अस्पतालों में कन्वर्ट हो गए। गलत तो नहीं कह रहा भाइयों? गलत कह रहा हूँ क्या? तो आवाज़ चाहिए, गलत कह रहे हैं क्या? सवाल उन लोगों का है कि आपका जो ये स्पेसिफिकेशन है, अब हमारा यहाँ खड़ा होना भी जातिगत हो जाएगा, मेरा यहाँ होना भी व्यक्तिगत हो जाएगा। तो आपको बता दूँ, 1998 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का कोर्स मैंने यही गुफरान सर से किया था। मेरे कॉलेज के दिन बीते हैं यहाँ पे, ये मेरी अपनी गलियाँ हैं, इसे इसलिए आप जात पात से ना देखें। इस गली के तमाम लोग मेरे अपने हैं, और भारतवर्ष के हर गली में, हमने पहले ही बोला हम हिंदुस्तान में यकीन नहीं रखते, मेरे मुल्क का नाम हिंदुस्तान नहीं है, भारत है, हम भारतीय पहले हैं, बाद में हिंदू हैं या मुसलमान हैं, गलत तो नहीं है भाई? लेकिन आज पप्पू यादव को अगर आप लोग, अगर ताली बजाना तो जोर से बजाना, जंग नहीं लगता, ठीक है ना? आवाज़ बुलंद चाहिए, आवाज़ बुलंद चाहिए, क्योंकि जो आवाज़ कह रहा है, जो आज कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो सलाखों में। तो हमने भी एक बात तय किया है कि देखे तो सही सलाखें कितनी बनी है इस देश में, तमाम सलाखों का दौरा करेंगे। बहुत सारी सलाखों का दौरा मैं कर चुका हूँ, मेरे टीम के 13 लोग अभी भी जेल में हैं, अखिल गोगोई के लिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। और आपको समझना होगा, जेल में रहते रहते अखिल गोगोई इलेक्शन जीते इसी बार आसाम से, और किसानों के मसीहा हैं, साधारण परिवार के लड़के हैं, चप्पल पहन के घूमते हैं। लेकिन आप उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते जो एम्बुलेंस छुपाते हैं। अगर आपका ये सुशासन है तो हमें ये सुशासन नहीं चाहिए। कल यूनियन मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल आया कि वैक्सीन सभी को 2021 तक लगाया जाएगा, इसके पीछे का तथ्य तो आपको मुझे देना होगा ना? मैंने अपने तमाम वीडियोस में, आपने मुझे कभी देखा होगा, मैं अपने इम्यूनिटी पे फोकस करता हूँ, और वैसे तो मेरा बाबा रामदेव से कभी बना नहीं, लेकिन आज लगता है बाबा जी से मेरी बन जाएगी। बाबा जी आपकी जय हो। आपने उस दिन जो कहा ना कि वैक्सीन लगा के लोग मर रहे हैं, तो कृपा करके अपने बड़े भाई मोदी जी को ये बता दें, गलत तो नहीं भाइयों? गलत है क्या? गलत है क्या? गलत है क्या? तो आप अगर, बाबा रामदेव जी स्वागत है रेबल फाउंडेशन में, ये जगह में मैं बैठा के आपको चाय पिलाऊंगा, आप आइए। पिलाओगे या नहीं पिलाओगे भाइयों? कोई फर्क तो नहीं है ना, जाति धर्म का फर्क तो नहीं है ना? तो केवल एक बात है दोस्तों, अगर बाबा रामदेव जी किस कथन में दम है, हमने दादी के नुस्खे मना किया गया, आज भी सर्दी जुकाम हो जाए तो चाय में अदरक डाल के पी लेते हैं भाई, दूध में हल्दी डाल लेते हैं अगर चोट लग जाए तो, ये पुराने नुस्खे हैं, पुराने नुस्खे, सॉरी। तो मेरा केवल एक अनुरोध है, पप्पू यादव जी को अनावश्यक तौर पे जेल पे ना रखें। वो व्यक्ति बाहर अच्छे लगते हैं क्योंकि वो साधारण लोगों के लिए जीते हैं, वो मजदूरों के लिए जीते हैं। उन्होंने कोरोना काल में 1000 से ज़्यादा लोगों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड भेजा। जब भाजपा की कोई बसें नहीं थी ना, तब पप्पू यादव जी बसें तैयार करवा रहे थे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ऐसे ही सेम एक व्यक्ति सोनू सूद भी आज काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमें तो कांग्रेस का दलाल, कभी कभी केजरीवाल का एजेंडा बता दिया जाता है, तो हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हमने बोला तमाम लोगों को, अभी मैंने 59 सीटों में काम किया, और 59 में से 13 सीटों में भाजपा को ख़त्म किया, और 59 के 59 सीटें मैंने जीता के दिखाई बंगाल में। मेरी कैंडिडेट बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटों से जीती है, शाइना मुमताज़ खान। रेबल हैं, जो बोलते हैं वो बोल के दिखाते नहीं हैं, जाके करके दिखाते हैं। 3 महीने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में, अब मिशन 2022, मिशन 2024, ये एंटी बीजेपी कैंपेन नहीं है। मैंने आज तक माननीय मोदी जी के लिए अपशब्द नहीं बोला, ना कभी बोलूंगा, ये ना तो मेरे संस्कार है और ना ही मेरे मुल्क की तहजीब है, ऐसा है क्या? देश के प्रधानमंत्री ये सम्मानीय है, लेकिन जब आपकी काम की बात होगी तो काम का आलोचना भी होगा, आपको आलोचना सुननी पड़ेगी। निर्दोष लोगों पर अत्याचार रोकना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। पप्पू यादव जी को आप लोग रिलीज कीजिए, नहीं तो राष्ट्र भर में शांतिपूर्ण तरीके से कैंपेन रेबल फाउंडेशन शुरू कर रहा है, आप लोग साथ दीजिएगा भाइयों? देखते हैं मुझे कभी कभार। रेबल की एक छोटी सी इर्तदा है खाली, जितने भी लोग
जो आज इस परेशानी से गुजर रहे हैं, तमाम परिवार जिनके साथ बुरा हुआ था, जिनके लिए पप्पू यादव खड़े थे, आज वो तमाम लोग केवल एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त उनको बाहर निकालिए, लोगों को पप्पू यादव की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।